मुरादाबाद के विकास भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 51 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई, जिससे सभी दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत मुरादाबाद में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से समाज कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों समेत सभी वर्ग के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे विश्वास है कि हम मिलकर समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगे। वहीं बिलारी निवासी ट्राईसाइकिल पाने वाले दिव्यांग लाभार्थी का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले जो 500 रुपये पेंशन थी वो अब 1500 रुपये कर दी गई है। वहीं अब उन्हें ट्राईसाइकिल मिली है, जिससे उन्हें अब आना जाना और भी आसान हो गया है। इसके लिए उन्होंने सरकार को शुक्रिया कहा। साइकिल मिल के बहुत खुश अच्छी लग रहा है हम लोगों को, और सारे दिव्यांगों के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि योगी जी का जो भी प्रयास रहता है बहुत बेहतरीन रहता है दिव्यांगों के लिए। उन्होंने जैसे अभी कि अभी पेंशन वेंशन बढ़वाई है विकलांगों की और विधवाओं की, इन सब से हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि योगी जी और मोदी जी हम लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं दिव्यांगजनों के बारे में, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और चाहेंगे कि ये लोग हमसे मिलने, हम इनसे डेट मांगने की कोशिश करेंगे ताकि हम योगी जी से मिल कर आएँ लखनऊ, जाकर खुद जाकर फेस टू फेस उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें मिला ये, और हम आगे यही सोचते हैं कि हमें योगी जी मोदी जी हमें ऐसी कुछ प्रदान करें, रोजगार दे हमें, बहुत अच्छा लगा। आज अब मैं उनका योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए उन्होंने सोचा, पेंशन में बढ़ोतरी की है, बहुत अच्छा लगा। तो इसी से आगे के लिए हम और चाहते हैं योगी जी और मोदी जी हमारे लिए कुछ और रोजगार दे, पढ़े लिखे लड़कों के लिए रोजगार दे, नौकरी दे उनको। सर ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, इस सरकार ने बहुत ही दिव्यांग के लिए सोचा है सर, क्योंकि पहले 500 रुपये मिलते थे पेंशन के, इन्होंने बढ़ा के 1500 कर दिए सर, और इस वजह आप हमने ट्राई साइकिल दे दिए ताकि हम अपने आसानी से कोई काम कर सकें या आना जाना आसान हो गया है सर, जिससे कि हमारा पैसा ही नहीं जाएगा जी। हम योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। 51 मोटराइज्ड साइकिल्स का वितरण किया गया है। इनकी परचेजिंग तो 31 मार्च तक हो गई थी, लेकिन आचार संहिता के चलते वितरण आज किया जा रहा है। इस साल में अभी करेंगे, परचेजिंग चल रही है और फर्दर आगे वितरण होंगे। समाज कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से प्रदेश की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार, हम सब लोग मिलकर समाज के सब वर्गों के उत्थान के लिए, जिसमें दिव्यांगजनों की भी भूमिका का उनका उपयोग और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आज ये कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम समाज के सब वर्गों के साथ लेकर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब काम करेंगे।